प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर सिंगापुर की यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम से मुलाकात की है। दोनों देशों के बीच कई एमओयू साइन हुए हैं। आज पीएम मोदी संसद पहुंचे सबसे पहले, जहां पीएम लॉरेंस वॉन्ग ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने सिंगापुर के पीएम से कहा, आपके प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद ये हमारी पहली मुलाकात है। सिंगापुर सिर्फ एक सहयोगी देश ही नहीं है, हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा भी है। हम भी भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान भारत और सिंगापुर ने सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य सहयोग और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में कई अहम समझौते किए हैं। समझौते के मुताबिक दोनों देश सेमीकंडक्टर क्लस्टर डेवलपमेंट, सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस भी करने वाले हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने ग्रीन एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दिया। संबोधन की शुरुआत में ही उन्होंने सभी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव में स्वागत किया और कहा, ऐसा करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। मैं इस अद्भुत पहल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को बधाई देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव पूरी दुनिया को सूर्य के प्रभाव का जश्न मनाने के लिए एक साथ लाता है। एक ऐसा त्यौहार है जो हमें एक बेहतर ग्रह बनाने में मदद करेगा। और देखिए, पीएम मोदी ने शिक्षा दिवस के मौके पर शिक्षकों को बधाई दी और पूर्व राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि भी दी। पीएम मोदी ने बकायदा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया। इस पर शिक्षक दिवस की शुभकामना लिखते हुए उन्होंने कहा, ये युवा मन को आकार देने वाले सभी शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। डॉक्टर राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षकों की भूमिका छात्र छात्राओं को ज्ञान और मार्गदर्शन देकर उनके जीवन को गढ़ने में अत्यंत महत्वपूर्ण है और वो राष्ट्र निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। आई बिलीव व्हेन अ टीचर लर्न्स, ए नेशन लीड्स। टीचर की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ होती है वो पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मक। और एक टीचर की भूमिका ही है जो व्यक्ति को रोशनी दिखाने की काम को करती है। मैं मन से मानता हूँ टीचर सर्वाधिक देश को बनाने में योगदान देने वाला ऐसा काम आपके पास है। आप देश बदल सकते हैं, जीवन बदल सकते हैं, आप सदी बदल सकते हैं, ये सामर्थ्य आपके अंदर होता है। विद्यार्थी का शिक्षक के प्रति आदर, शिक्षक का शिक्षा के प्रति समर्पण और विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में एक अपनत्व का भाव, यही एक जोड़ी होती है जो जीवन जीने की कला भी सिखाती है और सपने संजोने की आदत भी बनाती है। देश आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी को उनके जन्म दिवस पर आदरांजलि दे रहा है। वहीं शिक्षक दिवस के मौके पर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति, शिक्षाविद एवं दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन करते हुए कहा कि शिक्षक सही मायने में राष्ट्र निर्माता है। इस अवसर पर सीएम धामी ने 19 शिक्षकों को सम्मानित भी किया। नई दिल्ली स्थित मानसिंह रोड पर होटल ताजमहल में भारत 24 का खास कार्यक्रम स्वास्थ्य भारत सम्मान 2024 का आगाज हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, भारत 24 के साथ मेरा पुराना रिश्ता है। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज भारत 24 के इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला है और भारत 24 के साथ मेरा लंबा रिश्ता रहा है। सबसे पहले तो मैं उन जो उन्होंने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दी है और स्वास्थ्य सम्मान इस कार्यक्रम को उन्होंने एक रूप देने का प्रयास किया है, इसके लिए भारत 24 को मैं सबसे पहले तो अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को एक रूप देकर के आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। वहीं कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के मर्डर रेप को लेकर आज 28वें दिन भी प्रदर्शन जारी है। बुधवार देर रात डॉक्टर के माता पिता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। पीड़िता के पिता ने कहा, पुलिस शुरुआत से ही केस को दबाने की कोशिश कर रही है।
पोस्टमार्टम के लिए ले जाने तक हमें पुलिस स्टेशन में इंतजार करना पड़ा। बाद में जब बेटी का शव सौंपा गया तो एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने हमें पैसे देने की पेशकश की, आरोप भी लगाया गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलवामा के करीमाबाद इलाके में सुरक्षा बलों ने अरसलान अहमद शेख नामक एक स्थानीय आतंकी को पकड़ लिया है और उसके पास से ग्रेनेड भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक वो सुरक्षा बलों की एक नाका पार्टी पर ग्रेनेड हमले के लिए उचित मौके की तलाश में था। इससे पहले कि वो हमला करता उसकी धरपकड़ हो गई और आखिरकार एक बड़ी कामयाबी सेना के हाथ लगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहे। यहाँ वो रामनाथ स्वामी मंदिर के कुंभाभिषेकम और जीर्णोद्धार समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अयोध्या और तमिलनाडु का एक विशेष रिश्ता है और हजारों वर्ष पहले श्रीराम श्रीलंका से सीता माता की खोज के लिए निकले थे, तब उन्होंने तमिलनाडु में भगवान शिव की आराधना की थी, जहां आज रामेश्वरम स्थापित है। भगवान शिव की कृपा से सेतु बंध का निर्माण भी हुआ था। और एक मान्यता और है कि भगवान जब सीता को लेकर वापस आ रहे थे तो माता सीता ने रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की थी। संपूर्ण भारत एक या आध्यात्मिक परंपरा आगे बढ़ रही। अयोध्या धाम और तमिलनाडु का एक विशेष रिश्ता है, ये प्रगाढ़ रिश्ता आज से नहीं हजारों हजार वर्षों की एक परंपरा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक संपूर्ण भारत एक है। इस संकल्प के साथ यह आध्यात्मिक परंपरा, इन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मानबिंदुओं की स्थापना करते हुए आगे बढ़ रही है। और आज अय्या जी ने इस संकल्प को और सुदृढ़ता प्रदान की है कि अयोध्या धाम में श्री रामनाथ स्वामी जी का भी भव्य मंदिर यहां पर बने। वहीं अयोध्या में सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला। उन्होंने कहा कि एक तरफ हमारे संतों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पूरे भारत को जोड़ने का काम किया जा रहा है, समाज में एकता बनाने का काम कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ कुछ लोग समाज को जातियों और मजहब में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज से नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह प्रोसेस 12 सितंबर तक चलेगा। 13 सितंबर को नामांकन पत्रों को रिव्यू किया जाएगा। 16 तारीख तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। नामांकन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को रिटर्निंग अधिकारी यानी कि आरओ और सहायक रिटर्निंग अधिकारी यानी कि एआरओ ऑफिस में अपने साथ अधिकतम 4 लोगों को ले जाने की अनुमति है। साथ ही आरओ एआरओ ऑफिस के 100 मीटर एरिया में अधिकतम 3 वाहन ही लाए जा सकते हैं। धारा 144 की तर्ज पर बीएनएस की नई धारा लागू की गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत ने बीजेपी पर एक बड़ा हमला बोला और दावा किया है कि राज्य में कांग्रेस की सुनामी आ रही है और बीजेपी के हालात लगातार खस्ता होते जा रहे हैं। सुप्रिया सुनेत का कहना है कि हरियाणा का सबसे बड़ा एग्जिट पोल आ चुका है जिसमें कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने करनाल छोड़ दिया, प्रदेश कार्यकारिणी में इस्तीफों की बाढ़ आ चुकी है। और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राजस्थान से राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली। रवनीत सिंह बिट्टू निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुने गए। कांग्रेस ने इस चुनाव के लिए कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। रवनीत सिंह बिट्टू 3 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अनिल विज पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। अनिल विज को अंबाला कैंट से बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है, जिससे अनिल विज के समर्थकों में खुशी की लहर है। अंबाला छावनी में अनिल विज के समर्थक ढोल नगाड़ों के बीच झूमते नजर आए। टिकट की घोषणा के बाद अनिल विज ने कहा कि और ज्यादा मेहनत के साथ काम करेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का भी दावा किया। देखा है और हमारी सरकार ने 67 नाम आज घोषित कर दिए गए और बहुत अच्छे नाम घोषित किए हैं। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता अब कंधे पर हरा गमछा नहीं रखेंगे, ये निर्देश पार्टी के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने दिया है। ये गाइडलाइन तेजस्वी यादव की आभार यात्रा से पहले आई। पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं को हरे गमछे की जगह हरी टोपी और बैच लगाने को कहा गया।
जगदानंद सिंह ने 9 सूत्रीय निर्देश जारी किए जो यात्रा के दौरान लागू होंगे या एक तरह से कार्यकर्ताओं के लिए कहा गया है पालन करने के लिए।